नमस्कार, ओम शांति। मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं पीस न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। सड़क सुरक्षा मोटर बाइक रैली पहुंची मुंबई, कई भव्य कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। सांसद गोपाल शेट्टी समेत शामिल हुए कई टेलीविजन और फिल्म कलाकार। महाराष्ट्र के लातूर में भी सड़क सुरक्षा के लिए जागरूकता कार्यक्रम। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश भर में महिलाओं में आध्यात्मिक जागृति के लिए ब्रह्म कुमारी द्वारा सम्मेलन। नारी का स्वयं के वास्तविक शक्ति स्वरूप से कराया साक्षात्कार। सुरक्षित भारत सड़क सुरक्षा मोटर बाइक रैली के मुंबई पहुंचने पर कांदिवली, गामदेवी और मलाड में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सबसे पहला कार्यक्रम कांदिवली ईस्ट स्थित श्री अटल बिहारी वाजपेयी नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हुआ, जिसकी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में सांसद गोपाल शेट्टी, टीवी एक्टर ऋषिकेश पांडे, यातायात परिवहन प्रभाग की उपाध्यक्षा बीके दिव्या प्रभा, नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके कुंती, हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर बीके सुरेश, कॉर्पोरेटर आशावरी पाटिल, सुरेखा पाटिल, सागर सिंह उपस्थित रहे। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन, एक ट्रेन के ऊपर दूसरा ट्रेन चढ़ जाता है, भिन्न भिन्न प्रकार के एक्सीडेंट्स हम लोग देख रहे हैं। आप सबको इस बात को सुनकर गर्व होगा कि भारत देश एक ऐसा देश है जिन्होंने सबसे पहले ये टेक्नोलॉजी डेवलप की है। आने वाले 10 साल में गलती से एक भी एक्सीडेंट नहीं होगा, इस प्रकार की एक टेक्नोलॉजी बनी है। छोटी छोटी चीज़ों के चक्कर में एक्सीडेंट करते हैं और ट्रैफिक जो जाम होता है उसका भी कारण यही है कि हम आने जाने वालों को रास्ता नहीं देते हैं। कहीं ना कहीं हम सबको लगता है कि भाई हमको तो पहले निकलना ही है, बाकी कोई निकले ना निकले। तो ये चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ें, मैं आप लेक्चर नहीं दूंगा, बट ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका ध्यान हम सब दे सकते हैं। और कहीं ना कहीं बदलाव तभी आता है जब हम पहल करते हैं। मन के संयम और नियम कितना है उतना ही बाहरी नियम हम पालन कर सकेंगे, हमारे में वो बल आएगा और तब एक्सीडेंट है वो कम होंगे। ऐसे ही मलाड में आयोजित हुए कार्यक्रम में मशहूर डॉक्टर श्याम अग्रवाल, VJTF एजुकेशन सर्विस के MD डॉक्टर विनय जैन, टीवी एवं फिल्म एक्टर मधुरिमा तुल्ली, एंकर गुंजन उत्रेजा भी शामिल हुई। कहते हैं कि मन की शांति से सब कुछ ही ठीक हो जाता है, भले ही वो रोड एक्सीडेंट हो या हम लोग जो अवेयरनेस फैला रहे हैं जो इतना बढ़ गया है, ना सिर्फ वो, हमारे घर में जो लड़ाइयाँ होती हैं, जो आपस में बहुत सारी चीज़ें होती है, काम अच्छा होता है मन की शांति से। तो आई थिंक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है जो जा रहा है सबके बीच में। आपको बता दें, ब्रह्म कुमारी संस्थान के यातायात एवं परिवहन प्रभाग द्वारा आयोजित इस मोटर बाइक रैली की सफलता के लिए भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने भी अपना शुभकामना संदेश दिया था। हमारे देश में हर साल 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं और 1.5 लाख मौतें होती है। इसमें रोड इंजीनियरिंग भी कारण है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का भी कारण है। लोग रूल्स ऑफ द रोड का पालन नहीं करते और लोगों को पढ़ाना, सिखाना, प्रबोधन करना और रूल्स ऑफ द रोड के बारे में जगाना, ये भी महत्वपूर्ण काम है। पहली बात तो एक्सीडेंट ही नहीं होने चाहिए, पर एक्सीडेंट अगर होते हैं तो उन विक्टिम्स को अस्पताल में लेकर उनके ट्रीटमेंट करना, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण काम है। मेरा विश्वास है कि ब्रह्म कुमारी संस्था की ओर से इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हो रहा है लोगों को जगाने का। सुरक्षित भारत और सामर्थ्यशाली भारत, यही हमारा सपना है। और इसी भाव से ब्रह्म कुमारी की ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल विंग विशेष रूप से ये जन जागरण सप्ताह कर रही है। मैं हृदय से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएँ और विशेष रूप से शुभेच्छाएँ देता हूँ और जनता से अपील करता हूँ इस कार्यक्रम में शरीक होकर सड़क सुरक्षा का जो हेतु है उसके लिए आप भी जरूर मदद करें। और इसमें स्पीड, सेफ्टी, ये सब बातों को समझाने का जो प्रयास चल रहा है, इससे निश्चित रूप से लोगों को संस्कार होगा और इसका परिवर्तन होगा
और एक दिन जल्दी ऐसा आएगा कि हमारा देश इसमें एक्सीडेंट में हमारी संख्या नहीं के बराबर होगी, हम लोगों की जान बचाने में सफल होंगे। इस पूरे बाइक रैली में 75 बाइक राइडर्स शामिल रहे। उन्होंने नॉर्थ मुंबई से साउथ मुंबई तक लगभग 100 किलोमीटर की यात्रा करते हुए सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाई। इस यात्रा में भारत माता और लक्ष्मी नारायण से सजा रथ, यमराज, अनाउंसमेंट वैन और हाई एनर्जिक म्यूजिक बैंड मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे। पूरी यात्रा के दौरान एक एम्बुलेंस वैन, ट्रैफिक पुलिस व्हीकल भी साथ रही। गगन के छोर भारत ने भरी उड़ान है, अब आत्मनिर्भर भारत से दूर ना आसमान है। प्रगति और विकास का आनंदोत्सव है, आजादी का अमृत महोत्सव है, ये महोत्सव है नए भारत के निर्माण का, बलिदानों के सम्मान का, महिलाओं के उत्थान का, अब सर्व के कल्याण का। जन जन का उत्सव है, हर मन का उत्सव है, ये महोत्सव है, ये अमृत महोत्सव है। बढ़ाना है, एक नया सूरज उगाना है, हमने मन में ठाना है, स्वर्ग धरती पर ही बनाना है, नए संकल्पों का अवसर है, भारत माँ को नमन सौ सौ है। जन जन का उत्सव है, हर मन का उत्सव है, ये महोत्सव है, ये महोत्सव है। ऐसे ही महाराष्ट्र के लातूर में भी सड़क दुर्घटना से बचाव के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत संस्था के यातायात एवं परिवहन प्रभाग और रोटरी क्लब ऑफ मेट्रो के सहयोग से आयोजित था, जिसका शुभारंभ उप विभागीय अधिकारी सुनील यादव, रोटरी क्लब के अध्यक्ष रवि हिंग ने, लातूर सेवा केंद्र प्रभारी बी के नंदा, बीट सेवा केंद्र प्रभारी बी के प्रज्ञा, शिवाजी नगर बीके पाठशाला के संचालिका बीके प्रयाग की उपस्थिति में दीप जलाकर हुआ। उद्घाटन के पश्चात अतिथियों एवं बीके सदस्यों ने सड़क सुरक्षा के लिए कई सावधानियां और बचाव के उपाय बताए और उसके बाद शहर में जागरूकता फैलाने के लिए रैली को रवानगी दी। समाज में को हो, देश में को हो, जागृति लानी है, अवेयरनेस लाना है, उनके अंदर की अशांति को दूर करना है, यही इस रैली का भी उद्देश्य है, यही इस आजादी के 75 वर्ष और स्वर्णिम भारत की ओर, क्योंकि हमें एक एक व्यक्ति को जागरूक करना है तो भारत में स्वर्ग लाना है तो उसके संस्कार अभी से ही हमारे अंदर होने चाहिए। स्वयं भी सुरक्षित रहो और सामने वालों को भी सुरक्षित रखो, इसलिए सुरक्षा अभियान के अंतर्गत आज ये जो रैली अपने लातूर शहर में जो घूमेगी और ये सब जो भी जा रहे हैं, मुझे तो देवदूत लग रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव और हाल ही में हुए महिला दिवस को लेकर ब्रह्म कुमारीज ने देश भर के कोने कोने में सम्मेलनों का आयोजन किया, जिसमें बीके बहनों ने हर वर्ग की महिलाओं को उनके वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार कराया और राजयोग मेडिटेशन द्वारा आंतरिक शक्तियों को जागृत करने का संदेश दिया। आइए दिखाते उन कार्यक्रमों की झलकियां। सबसे पहली खबर पंजाब के मोहाली की, जहां सुख शांति भवन में महिला स्वर्णिम दुनिया की ध्वजवाहक विषय पर सम्मेलन आयोजित था, जिसमें पंजाब गृह विभाग की विशेष सचिव बलदीप कौर, पंजाब महिला कमीशन की पूर्व चेयरपर्सन व एसजीपीसी के सदस्य बीबी परमजीत कौर लौंड्रा, डॉक्टर बीआर अंबेडकर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर जपलीन कौर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई। मोहाली के प्रभारी बीके प्रेमलता ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सभा में मौजूद महिलाओं से अपील की कि आध्यात्मिकता द्वारा स्वयं का आंतरिक विकास करें
क्योंकि आपके जागरण से जग का जागरण होगा। आगे कार्यक्रम में अतिथियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। मुझे खुशी है कि आज भवन में जितने भी लोग बैठे हैं वो ऑलरेडी एक स्पिरिचुअल पाथ पे चल चुके हैं, इसीलिए वो लोग यहाँ हैं। तो फर्स्ट होता है कि हमने उस चीज को एक्नॉलेज करना है। भारत ने हमेशा ही सदियां तो एक विश्व गुरु का जिहड़ा रोल है अदा किया है, तो अज भी भारत नूं विश्व गुरु का रोल अदा करन दी जरूरत है। तो वो ये नहीं कि विश्व गुरु का रोल है किसी एक एक साढ़े प्राइम मिनिस्टर ने या साढ़े राष्ट्रपति ने या साढ़े किसी मंत्रियों ने, उन्होंने ही ये रोल निभाना है। उस रोल नूं निभाउण दे विच साडी सारयां दी जिम्मेवारी बनती है। असी एक अजिहा रोल मॉडल बन के एक एक बंदा एक एक औरत या एक एक पुरुष रोल मॉडल बन के उभरे के साडियां उदाहरण ने जिहड़ियां वो विश्व पद्धर ते दित्तियां जा सकन। अब दूसरी खबर है जयपुर के राजा पार्क की, जहां महिलाओं के लिए आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री भाग्यश्री, प्रमुख शासन सचिव आईएएस मुग्धा सिन्हा जी, एलिट मिस राजस्थान आस्था खंडेलवाल, मशहूर राजस्थानी सिंगर सीमा मिश्रा, महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष पवन सुराणा, मिसेज इंडिया सुनीता मीणा, राजपाक सब जोन प्रभारी बी के पूनम ने दीप जलाकर किया। खेली है जो कभी नंगे पांव से आंगन में खेली है जो कभी इंद्रधनुष बन के खनकती है कलाई में वही शक्ति है नारी जो कविता कली कहानी बन जाती जिसकी एक करवट वक्त को बदल जाती जो प्यार से रुतबा दे शाहों से ऊंचा जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती वही शक्ति है नारी। शुभारंभ के पश्चात सभी अतिथियों ने समाज में महिला को बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए अपने अपने सुझाव व्यक्त किए। इसके पश्चात बीके पूनम ने सभी अतिथियों को मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया। हम प्रोफेशनल हो गए, हम घरों से बाहर आ गए, हम अपने पैर पे खड़े हो गए, बट क्या टेक्नोलॉजी के आने से हमें दोबारा से एक सेकेंड रेवोल्यूशन, पहले तो पेट्रियार्की के अगेंस्ट लड़ा कि अब दूसरा रेवोल्यूशन हमें टेक्नोलॉजी किस तरह से हमें महिलाओं को गुमनामी की ओर ले जा सकने की शक्ति रखती है उसके बारे में सोचना पड़ेगा। हमें ये सोचना बहुत जरूरी है कि अगर भगवान के बाद हम हैं तो हमें भी अपने जिंदगी में अपने आप को उतना ही इम्पोर्टेंस, उतना ही संवारना भी चाहिए, रिस्पेक्ट भी देना चाहिए, क्योंकि रिस्पेक्ट जब हम अपने आप को देते हैं तो तब दूसरे भी हमें रिस्पेक्ट। अब बात राजस्थान की कोटा की, जहां शक्ति सरोवर में 150 कोरोना वॉरियर नर्सेस का सम्मान किया गया। कोटा संभाग की प्रभारी बीके उर्मिला ने कहा कि नर्सेस ने ही रात दिन मेहनत करके वैक्सीन अभियान को सफल बनाया है, इसीलिए इनकी जितनी सराहना की जाए वो कम है। चलते हैं नागालैंड के कोहिमा, जहां पुलिस हेडक्वार्टर में राजयोग शिक्षिका बीके रूपा को डीआईजीपी, आईजी, एसपी रैंक के महिला ऑफिसर्स को संबोधित करने का मौका मिला। बीके रूपा ने इस दौरान कहा कि समाज में महिलाओं का रोल पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। परिवार, समाज और ऑफिस में तालमेल बनाने के चक्कर में कभी कभी मन अशांत और तनावपूर्ण हो जाता है, इसीलिए जिम्मेवारियों और खुद के बीच सही तालमेल बनाने के लिए कुछ समय रोजाना राजयोग मेडिटेशन के अभ्यास को प्राथमिकता देनी चाहिए। कोलकाता में विमेन फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड विषय पर भव्य सम्मेलन का आयोजन हुआ। ईस्टर्न जोन के सीनियर सिस्टर बीके कानन की मौजूदगी में संपन्न हुए इस कार्यक्रम में कोलकाता हाई कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस नादिरा पथेरिया, एंटी करप्शन ब्यूरो के पूर्व डीजी राकेश गुप्ता, वेस्ट बंगाल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड के पूर्व डीजीपी वीरेंद्र जी मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे और सम्मेलन के विषय पर अपने अनुभवी विचार व्यक्त किए। Will include her thought, belief, expression, respect, right to choose, economic independence, livelihood, and so on and so forth. इतने सारे वर्ड इस्तेमाल करते हैं, आत्मबल, आत्मसम्मान, है ना, महान आत्मा, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, तो आत्मा वर्ड का इस्तेमाल कई जगह पर है, मगर इसको हम कितना समझ रहे हैं। ऐसे ही मध्य प्रदेश के छतरपुर में मेरी संस्कृति मेरी पहचान विषय पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें विश्वनाथ कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके रमा ने कहा कि हमारी भारतीय संस्कृति एक समृद्ध और देवी संस्कृति है जो हमारे अंदर श्रेष्ठ संस्कारों का सृजन करती है।
भले ही संस्कृति का निर्माता मानव होता है, लेकिन मानव में मानवता लाने का कार्य हमारी संस्कृति ही करती है। इस कार्यक्रम में भारतीय संस्कृति को दर्शाने के लिए महिलाओं ने पंजाबी, मराठी, गुजराती, साउथ इंडियन और राजस्थानी वेशभूषा को धारण किया। वहीं गुरुग्राम के पालम विहार सेवा केंद्र द्वारा बिजवासन में 7 दिवसीय गीता वीक मेडिटेशन शिविर का आयोजन किया, जिसमें SBI की बैंक मैनेजर मिस दिव्या समेत 150 से अधिक महिलाएं शामिल हुई, जिन्हें पालम विहार सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके सुदेश ने राजयोग मेडिटेशन के अभ्यास से होने वाले फायदों की जानकारी दी और अपनी दिनचर्या में शामिल करने का सुझाव दिया। हमें न्यूज भेजने के लिए peacenews@godlywoodstudio.org पर मेल करें और पीस न्यूज बुलेटिन देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पीस न्यूज गॉडलीवुड को सब्सक्राइब करें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, और नई खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए लेते हुए इजाजत, नमस्कार, ओम शांति।